वेज में तो ये है कि ये लव एंड लाते इसका वो है। जिस वेबसाइट पे ये दोनों मिलते हैं, इट्स अ क्वर्की क्यूट वेबसाइट, उसमें स्पेलिंग, उसका नाम है अब तक सिंगल एंड देव स्पेल्ट इट लाइक दैट। तो अब तक सिंगल इस तरह से उस वेबसाइट का नाम है। मैंने उसको इस तरह से समझा था कि आप ये फौज देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे इधर ही बैठे हुए, इनको अगर खड़ा करेंगे तो ये पूरा स्टेज भर जाएगा और मैं तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एल जो है कई बार जो है वो मेल होता है कभी कभी तो साथ चाहिए था एक और एल का, नहीं तो ऐसा ना बोलना पड़ेगा ले लग गए। आई हैड अ फॉलो अप क्वेश्चन बच्चा किड, towards your eye. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you know, you had Talwar, which was critically acclaimed as well as did well at box office. Then there was Hindi medium, again the same story. So do you think now this is the time where even the content driven films are doing well at the box office and you are expecting the same from this one as well? Content ka I think kai saalon se shuru ho chuka hai aur ye audience ne shuru kiya hai. Audience already हिंदी सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसमें फुटफॉल कम हो रहा है और ऑडियंस जो कि थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है बाहर का सिनेमा देख के, सीरीज़ देख के, तो वो ज़्यादातर हॉलीवुड का सिनेमा देख रहा है या हमारी रीजनल सिनेमा ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उसे रिलेट कर पा रहा है और इंगेज हो पा रहा है, एंटरटेन हो पा रहा है। हिंदी सिनेमा जो अब तक इतना जेनरिक था उसमें उस तरह की कमी थी कि दे वॉन्टेड टू रिलेट, ऑडियंस रिलेट करना चाह रहा है उन स्टोरी से। वो कह रहा है हॉलीवुड जब बना रहा है, रीजनल सिनेमा बना रहा है, तो हमें हिंदी सिनेमा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ, जहाँ वो कुछ बात कहे जो मेरे से जिसका वार्तालाप चले। कोई फिल्म खाली थोती फिल्म नहीं होती है, सिर्फ ऐसी एंटरटेनमेंट एक उस तरह की फिल्म भी होती है, लेकिन मैं उन फिल्मों से जुड़ना चाहता हूँ जो आपके साथ जिसका डिस्कशन चलता रहे फिल्म खत्म होने के बाद। तो वो चेंज शुरू हो गया था और अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से, मतलब इस तरह की फिल्में, सिर्फ मेरी नहीं बाकी भी, जैसे राजकुमार की भी 2 फिल्में आई थी, सडनली उसको किसी को उम्मीद नहीं थी एंड डिड वेल, इट्स बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। एंड मिस्टर सुजय, यू हैव 2 फिल्म्स बैक टू दिस लव स्टोरी एज अ मोनोटोनस टिपिकल वे, इन अ मोनोटोनस टिपिकल वे। द स्टोरी एक्चुअली हैड द सीड ऑफ दैट इन इट, व्हिच वाज रिटन बाय माय मदर 20 इयर्स अगो। शी रोट दिस 15 पेजर, यू नो, एंड आई थॉट देयर वाज समथिंग in it which was so beautiful and it was but me and Ghazal, my co-writer, we made it contemporary, you know, we made it a story of today, and so I think that I would like to say that it's a kind of a Hindustani rom-com which is very much belonging to the milieu of contemporary modern India, and yet it's at its core it's very Indian and very it has a bit of traditionalism in it as well. And finally it's about just loving every part of your life, your past relationships, whatever they may have been, there's something of value in those and they give to you all your life, you know, so you don't have to, breakups don't have to be bitter, they can be wonderful. So there's that kind of story in it, and in which 2 people discover each other and discover each other's differences and find out that, you know, it's okay, we both are different from each other, but if we respect each other's differences and independence, it can be a beautiful love story. So I think it was there in the story itself. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. Parvati, mera sawal aapse hai. Ek to is film ka subject kafi alag hai aur isi ke saath saath Irfan itne majhe hue kalakar hain. Dono ek saath aana aur ye pura experience kaisa raha aapke liye? Bahut overwhelming tha, definitely. Pehle jab तनुजा जी ने फ़ोन किया था और यही वर्ड बोला था, हिंदुस्तानी रॉम कॉम, एंड दैट्स व्हाट हुक मी फर्स्ट, एंड आई डिडंट नो एट द टाइम इट वाज गोइंग टू बी इरफान ऑन द अदर साइड। इनफैक्ट इवन आफ्टर लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट इज व्हेन आई गॉट टू नो दैट इट वाज हिम। सो द फर्स्ट थिंग दैट हुक्ड ऑन टू मी वाज डेफिनेटली द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी। एंड लाइफ में एक ऐसी लेवल पे हूँ जहाँ मैं भी करीब करीब सिंगल मोड में जा रही हूँ, तो आई कुड टोटली रिलेट टू इट एंड ऑलमोस्ट वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम इट अ लिटल, आई थिंक। And that's what I've been doing all my career, is learn a little bit from every character I do, every story I do. Sometimes you learn some bad things, sometimes you learn some great things. And this experience made through Ghazal and Tanuja and eventually through the production with Irfan, it was a great learning experience. Irfan, ek sawal aap se bhi hai.
बच्चन सर अब 75 साल के होने वाले हैं और पीकू फिल्म में आपने उनके साथ काम किया था. बच्चन सर को बधाई देना चाहेंगे और जो पूरा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का वो कैसा रहा? मेरी बिल्कुल बधाई उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, खुश रहें और हमें उसी तरह की कहानियाँ देते रहें. और पीकू का एक्सपीरियंस तो अब फिल्म आ चुकी है, आपने देख ही लिया तो आपको पता ही है. इरफा, मैंने बधाई दी उनको, बधाई हो उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो अच्छे काम करते रहें, अच्छी स्टोरीज बोलते रहें. इरफान जी, यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में महान लोग हैं. और यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से, और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है. और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में. तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है. आपको लगता है फ्लेवर सेम होता तो मैं करता ये फिल्म? ये एक चीज़ इसमें ये है कि हिंदी मीडियम में जो एक जिस तरह का एक फन था, जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट को जिस तरह से रिडिफाइन किया गया था कि कहानी भी है और आप रिलेट भी कर सकते हैं और आप एंटरटेन हो सकते हैं, ये वही है कि आपको जो है एंगेज करेगी, यू विल गेट एंटरटेन्ड एंड यू विल रिलेट टू कैरेक्टर्स एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द मूवी. वो मैं जब फिल्म के इंटरव्यू शुरू होंगे तब मैं बात करूँगा कि मैंने ये फिल्म क्यों की. एक्चुअली मैसेज ये है कि तुम सिंगल हो, सिंगल मत रहना अब. नहीं, मैसेज मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली बताता हूँ. और क्या होता है ना, एक होता है आदमी सिंगल, एक होता है कि अब सिंगल नहीं रहा, बीच का सफ़र होता है करीब करीब सिंगल, जहाँ के डबल होने की एक उम्मीद होती है और एक एक्सपेक्टेशन होती है. मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है बहुत खूबसूरत होता है रिलेशनशिप का, अगर आदमी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय ना करे, दोनों मिलके उसको खुद ख़त्म ना कर दें और उस जर्नी को अगर थोड़ा उसका मज़ा लें, उसको अगर बहुत अच्छे से उसको गुजारें जर्नी को, वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है रिलेशनशिप का, जहाँ के दोनों उन्होंने कमिट नहीं किया है बट एक तरह का एक्साइटमेंट है अंदर, एक लहर है अंदर, एक यू नो म्यूज़िक है अंदर. तो इसमें उस तरह का एक उस जर्नी का यू नो फिल्म उस जर्नी के बारे में है. लहर का थ्रू आउट है. इरफान जी आपके सामने, इरफान जी ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन चैटिंग में कितना बिलीव करते हैं अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? भाई मैं बहुत बिलीव करना चाहता हूँ, मैं तो ऐप ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि आसान हो जाए मामला. बहुत सारे हैं ऐसे तो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ज़्यादा उस पर कवर चढ़ा के और इतना ज़्यादा उसको लुका छुपा के इतना अजीब सा बना दिया है, जबकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो ये है कि दो लोगों का करीब आना एक दूसरे को पसंद करके, और उससे खूबसूरत चीज़ कुछ है नहीं दुनिया. वो नेचर ने दिया है आपको, वो आपके लिए है, उसके लिए क्यों गिल्टी फील करना, क्यों इतनी बंधन है. मैं तो बचपन से सपने देखता था, अब तो खैर ये आ गया है लेकिन मैं अपना फेस डाल नहीं सकता उस पर. मैं अगर डालूंगा तो लोग या तो यकीन नहीं करेंगे कि अरे यार ये डेटिंग के लिए बोल रहा है क्या, ये तो इरफान है, और अगर कर लिया यकीन तो फिर कुछ और बोल लगे, अच्छा बेटा चल चल यू नो. तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होता. मैं भी अभी तक देख रहा हूँ ऐसी ऐप जिसमें कि मेरे लिए भी सफ़र आसान हो जाए. आपको पता चले तो बताना मुझे. जी बिल्कुल. अच्छा इरफान जी, क्योंकि एक रोमांटिक हीरो का किरदार कर रहे हैं आप, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कई सारे रोमांटिक हीरो, किसी से इंस्पायर्ड भी हैं आप रोमांस के मामले में अगर मैं आपसे पूछूं? मैं अपनी मोहब्बत से इंस्पायर हूँ, मेरे अंदर बहुत मोहब्बत भरी पड़ी भाई जो निकली नहीं है और जिसको मैं जीता रहता हूँ अलग अलग तरीके से. मैं अपने आप को बांटता रहता हूँ, हाथ किसी के नहीं आता. तनुजा मैम, I'm from Dainik Bhaskar. As sir said that Hindi cinema is evolving and this is your first attempt at a love story. So is it because you really vouch for it or you think, you know, Indian audience is still not over love stories and romantic movies? I wouldn't call it love, first love story. You know, मेरे लिए मकबूल लव स्टोरी थी, मेरे लिए लंच बॉक्स लव स्टोरी थी. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर रोमांस फॉर माई सेल्फ. लाइक जब ये फिल्म मैं कर रहा था तो मुझे मैंने एक दिन शुतपा को पूछा कि यार तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों है इस फिल्म में, ये क्यों करना चाहिए? तो शी सेड के हम लोग नॉर्थ बेल्ट से हैं ना, वहाँ क्या होता है ना, वहाँ लड़की को देखा उसने देखा तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने यू नो उसको पजेस कर लिया और सब कुछ.
वो एक जो होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, यू नो, एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है. तो इसने पूछा कि आपको, आप तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो? मैंने कहा आता है. तो बोला करके दिखाओ उसके अंदर. अब मैं भी कह सकता हूँ कम से कम एक औरत को तो मैंने सम्मान दिया. तनुजा मैम आपके राइट है, आपके राइट अमित. एंड ये सवाल कामना मैम से भी रहेगा कि मतलब आज की जो लव स्टोरीज बन रही हैं या रोम कॉम बन रही हैं उन्हें मतलब क्वांटिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप गर्लफ्रेंड, करीब करीब सिंगल वगैरह वगैरह, क्या मतलब इसलिए कि जो आज की ऑडियंस है या आज के जो मतलब लोग हैं उनमें शायद कमिटमेंट का लेवल या फिर लॉयल्टी का लेवल मतलब कम हो चुका है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है. आई मीन आई थिंक दैट्स अ जनरलाइजेशन. लेकिन दिस टाइटल डिड नॉट कम फ्रॉम द आइडिया कि क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है. इट इज़ प्योरली फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि कहानी दो लोगों की है जो दोनों करीब करीब सिंगल हैं. ये टाइटल एक्चुअली गज़ल ने सोचा था, केम वेरी ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्टोरी. सो उसमें आप हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये बात है कि आप अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं. एंड लाइक इरफान सेड कि वो जो बीच का जो एक वक्फा होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेयर यू जस्ट स्टार्टिंग टू फील समथिंग फॉर समवन. इट्स नॉट अ कमिटमेंट बट इट्स ऑल्सो मेक्स यू फ्री एंड एक्साइटेड. सो आई थिंक दैट दैट इज़ द पार्ट दैट वन इज़ ट्राइड टू एक्सप्लोर इन दिस फिल्म. एंड दैट इज़ ऑल्सो फनी. उसमें हंसी भी आती है, उसमें आप एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक आशा है दिल में, यू नो, कि आगे क्या होगा. So I think that is the situation in the film and that's where the title comes from, purely. Lekin jo